बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यार व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्यार व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ रमजान स्पेशल एक रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपके पास अफ्तार में टाइम कम है तो आप ये रेसिपी बना लीजिए। ये रेसिपी आलू चिप्स पकौड़ा की है। चलिए अब बगैर देर किए झटपट इसकी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैंने यहाँ पर हाफ के जी आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने कट करके वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना कटर लूँगी और कटर की मदद से कट करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पर अपने आलू कट कर चुकी हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं 1.5 कप बेसन ले लूँगी। बेसन को हमने छान कर इसकी इम्प्योरिटीज निकाल ली हैं। अब हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर शामिल करेंगे और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक शामिल करेंगे। देन दोस्तों हम इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया है, 2 चुटकी फूड कलर शामिल किया है। देन हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून चावलों का आटा शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर खूबसूरती के लिए धनिया और पुदीना शामिल कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी बनाना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, आप देख सकते हैं आपने इसी तरह की कंसिस्टेंसी कर दी है। दूसरी साइड पर हम पैन लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो हम एक आलू का स्लाइस लेंगे, इसको हम अपनी स्लरी के अंदर डिप करेंगे। स्लरी के अंदर डिप करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम 1 by 1 करके इसको डिप करके फ्राई करना स्टार्ट कर लेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही कम वक्त में हमारे आलू चिप्स पकौड़ा बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगे और आप देख सकती हैं इसका कितना प्यार लाइट गोल्डन ब्राउन कलर अपीयर हो चुका है। और बातों ही बातों में हमारे चिप्स पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब बगैर देर के इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, ये कितने यम्मी और कितने डिलीशियस लग रही है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप भी अफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। और हमारे चैनल मूडीज फूड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं तो चली अफ्तारी करने। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।